सोनीपत में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के दौरे का आज दूसरा दिन है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में हिस्सा लेंगे मनोहर लाल। 11 बजे टीसी रस्ट मुरथल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में हिस्सा लेंगे। ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी विषय पर गृहमंत्री की यह बैठक है। दोपहर में गोहाना सेक्टर 7 में जाट भवन का भूमि पूजन करेंगे। भूमि पूजन के बाद जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। खेवड़ा और मुरथल में कार्यकर्ताओं के आवास पर जाने का कार्यक्रम है। शाम में बरोदा मोड़ और गन्नौर खंड के गांव अगवानपुर में कार्यकर्ताओं के आवास का दौरा करेंगे। तो दो दिन का दौरा है ये हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का, जिसका आज दूसरा दिन है। तो आज दूसरे दिन का दौरा और ऐसे में गृहमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित एक बैठक में भी हिस्सा लेंगे। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में यह बैठक 11 बजे डीसी रस्ट मुरथल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसमें हिस्सा लेंगे मनोहर लाल। आपको बता दें, ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी विषय पर यह बैठक बुलाई गई है। वहीं दोपहर में गोहाना सेक्टर 7 में जाट भवन का भूमि पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल सोनीपत से पहले रोहतक पहुंचे। यहां उन्होंने पूर्व मंत्री स्वर्गीय सेठ रामकिशन दास की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ पार्टी के कई दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। सूबे के मुखिया ने मंच से अपने संबोधन में कहा कि बीजेपी के लिए हमेशा देश हित में काम करने का लक्ष्य रखा है। साथ ही मुख्यमंत्री ने रोहतक की जनता से साल 2024 के चुनावों में कमल के पक्ष में वोट करने की अपील की। चुनावी साल 2024 को लेकर सभी पार्टियां अपने अपने स्तर पर चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगी हुई हैं। हरियाणा बीजेपी ने भी साल 2024 के चुनावों के लिए चुनावी बिगुल फूंक दिया है। रोहतक पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूर्व मंत्री पद्मश्री सेठ श्री किशन दास की मूर्ति का अनावरण किया। मुख्यमंत्री के साथ पार्टी के कई दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में मैं और मेरा परिवार पहले की नीति पर काम किया जा रहा है, जबकि बीजेपी में देश पहले और परिवार बाद में की नीति पर काम किया जाता है और देश पहले की नीति पर काम करने वाले लोगों का स्वागत है। क्यों सबका सम्मान करते हैं, जो हमारे साथ मिलकर चलता है उसका सम्मान उसी प्रकार से होता है जैसे पुराने जनसंघ के समय के कार्यकर्ता का और पुराने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का सम्मान होता है। आज जो भी कुछ शामिल होता है शर्त एक ही है कि उसके सामने देश पहले मैं बाद में ये भूमिका हो तो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर सकता है। और यहां भी अगर उसी विचार को लेके चला कि मैं पहले मेरा परिवार पहले बाकी दुनिया जाए भाड़ में, इस आदमी का यहां खपना मुश्किल हो जाता है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साल 2019 के विधानसभा चुनावों में रोहतक से मिली पार्टी की हार पर बोलते हुए कहा, जो कमी रह गई थी उसको अब की बार पूरा करेंगे। हमारी 2019 में रोहतक में रही है, मैं समझता हूं कि उस कमी को रोहतक की जनता रहने नहीं देगी। मेरी बात का अर्थ सब समझ रहे ना कि इस 2024 के अंदर 19 वाला वाक्य ना दोहराया जाए बल्कि कमल का फूल खिलना ये हमारे लिए संकल्प का विषय होना चाहिए। सूबे के मुखिया मनोहर लाल ने हरियाणा के साथ साथ रोहतक में हुए विकास कार्यों का भी बखान किया। जो दिखते हैं, जो कमियां जो कमजोरियां आपको यहाँ ध्यान में आती हैं, विकास के काम जितने हुए हैं डॉक्टर अरविंद शर्मा ने सारे आपको गिनाए हैं, चाहे वो एलिवेटेड रेलवे पुल की बात इन्होंने की, चाहे वो हमारा ये जो यही मेन रोड आगे जाकर के भिवानी स्टैंड के ऊपर से जो एलिवेटेड रोड बना है इसकी बात है, कितने ही काम ये किए गए और लगातार चल रहे हैं। हम कहीं बैठे कहीं से कुछ करें लेकिन हर शहर का काम करते हैं। अभी परसों, आज से दो दिन बाद, आज 16 है, परसों 18 तारीख को रोहतक जिले के 16 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसका शिलान्यास अथवा उद्घाटन मैं स्वयं करने वाला हूं। 77 करोड़ रुपए की उसकी लागत आएगी। 70 करोड़ का काम आपको परसों मिलने वाला है। काबिले गौर है कि साल 2024 के चुनावों को फतेह करने के लिए सभी पार्टी के नेता अभी से चुनावी समर में अपनी हाजिरी लगाने लगे हैं ताकि 2024 के चुनावों में जीत का स्वाद चखा जा सके। रोहतक से सूर्य समाचार के लिए दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट।